उतना आप नहीं कमा पाओगे जिससे आप अपना सर्वाइवल भी चला सको. टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी रॉ, को लगता है कि ये ग्लैमर की लाइफ है, बहुत ज्यादा खुश होते होंगे, बट ऐसा नहीं है भाई. सब आज जो है मैं नॉर्मल वीडियो नहीं बना रही हूँ, आज जो है मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करने वाली हूँ. तो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है बताई थी अबाउट माय इंस्टाग्राम जर्नी. वहाँ पे अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया बट स्टिल वहाँ पे जो है कुछ रिजल्ट नहीं आया. मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही. सोशल मीडिया ना आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी देता है और ये वीडियो वही लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो ऑलरेडी जो है सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हैं या कुछ बना रहे होंगे, यू नो एनीवे क्रिएटर हैं. बिकॉज किसी नॉर्मल बंदे के लिए ये बड़ी डील नहीं होगी. कोई भी अकाउंट उनका चला जाना या कोई भी अकाउंट उनसे खो जाना या पासवर्ड इधर उधर हो जाना, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा. उन दूसरा अकाउंट बना लेंगे और वो दूसरे अकाउंट पे लोगों को बता सकते हैं. एज अ क्रिएटर आपका बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है अगर आप कोई भी अकाउंट बनाते हो. तो जो बात करने आई हूँ वो मैं स्टार्ट करती हूँ. फेसबुक का नॉर्मल अकाउंट था, उस पर जो है मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया था. तो वो मेरे फेसबुक पे लाइक नॉर्मल से बेटर इंगेजमेंट आ गई थी. वैसे भी आप क्रिएटर हो तो जब तक आपका नंबर जो है वो लैक्स और मिलियंस में नहीं है तब तक यू विल नॉट अर्न एनीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है आप उतना आप नहीं कमा पाओगे जिससे आप अपना सर्वाइवल भी चला सको. टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी रॉ, मेरे को लगता है कि ये ग्लैमर की लाइफ है और जो कि बहुत यू नो अमेजिंग है. बहुत ही ये लोग करके मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे, बट ऐसा नहीं है भाई. सब लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए ही आए हैं. जो भी वो कॉन्टेंट भी क्रिएट करते हैं वो सोचते हैं कि यार यू विल अर्न समथिंग फ्रॉम दैट. तो थोड़ी हैप्पी थी बिकॉज मैं जो है अपना यूट्यूब पे भी डाल रही थी अपना कंटेंट और फेसबुक पे भी डाल रही थी. तो फिर मेरे एक दो ना पेजेस बने थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि उन पेजेस की वजह से जो है ना मेरे अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम आए. तो मैं आराम आराम से एक बार मैंने पहले एक पेज डिलीट कर दिया था, जो है मैंने दूसरा पेज जो है ना फिर से डिलीट कर दिया था. तो अब जब मैंने अपना पेज डिलीट कर दिया तो मैंने क्या करा ना, उसमें मेरे पास आ रहा था कि और डिवाइस में खुला होगा तो आप लॉग आउट कर लो. तो फिर जो है ना वो मैंने लॉग आउट कर लिया. मैंने सोचा कि अब तो मेरा अकाउंट खुल ही जाएगा, लाइक नॉर्मल है, मुझे पासवर्ड पता है. तो अब उसके बाद वो मुझसे बोलने लगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने ऑन करा हुआ था. तो मैंने बहुत पहले ऑन करा था लाइक 2022 में. उसके बाद जो मैंने अपना नया मोबाइल भी ले लिया और मेरे पास उसका पासवर्ड एक्चुअली है नहीं. तो क्योंकि कीज़ वगैरह होती है वो आपके फ़ोन वगैरह में ही होती है. नया फ़ोन ले लिया मैंने तो अब मुझे मेरे पास वो ऑथेंटिकेशन कोड वगैरह नहीं थे. तो पासवर्ड भी आ गया, अब ये कोड मैं कहाँ से लेकर आऊँ. तो फाइनली मैंने जो है फेसबुक पे, उनके पास ऐसा कुछ फॉर्म है जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी, कोई भी आप अकाउंट लाइक पासपोर्ट डाल सकते हो, इनकम टैक्स वाला जो आईडी होती है, पैन कार्ड और आधार कार्ड ये सब डाल सकते हो. तो पहले मैंने आधार कार्ड डाला. आधार कार्ड डालने के बाद उन लोगों ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि मैं हूँ ही नहीं वो. आई एम लाइक कैसे ब्रो, कैसे आप ये कैसे कर सकते हो फिर. बट एनी वे आई एम लाइक ओके फाइन, चलो कोई बात नहीं. फिर मैंने जो अपना पैन कार्ड फिर से डाला तो वो एक्सेप्ट हो गया. तो नाउ आई एम हैप्पी कि यार मेरा अकाउंट जो है वो खुल जाएगा और मैं जो है अब ये काम स्टार्ट कर पाऊंगी. अब क्या हो गया, अब उसमें एरर आ चुका है. उसमें आ रहा था कि अनेबल, मैं यहाँ पे थोड़े स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगी जिससे मैं थोड़ा जो भी मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ आ पाए. तो उसमें अनेबल टू आइडेंटिफिकेशन, तो वो मैं जैसे ही उस पर बटन दबाया उसमें आ रहा है कि सॉरी वी कांट लाइक, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ बग एरर आ रहा है. बट ये एरर जो है मुझे 3 दिनों से आ रहा है लिटरली. तो अब आई डोंट नो कि वो खुलेगा या नहीं खुलेगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि फेसबुक वाले लोगों के पास लाइव सपोर्ट नहीं है. मतलब दैट्स सो वियर्ड यार. आप इस टाइम पे आ गए हो जहाँ पे आप क्रिएटर्स को इतने अलग अलग चीज़ें करवा रहे हो. पहले कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया होता था कि आपको 60,000 समथिंग करना पड़ेगा और आपके 5,000 फॉलोअर्स होंगे फेसबुक पे, तब आप यू नो अर्न कर सकते हो. बट अब जो आपने क्राइटेरिया भी हटा दिया, नाउ आपके कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन हो रहा है. तो आई एम लिटरली हैप्पी कि यार अब जो है मैं फाइनली कुछ अर्न कर पाऊंगी अपनी आईडी से और ये समथिंग लाइक दैट. बट अब ये हो गया लिटरली. काफ़ी लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप दूसरे ब्राउज़र में ट्राई करो. काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके खुद के ब्राउज़र में खुलता नहीं है, बट ऐसा नहीं है. मैंने लाइक लैपटॉप में, आईपैड में और अपने आईफोन में, अजीम के आईफोन में, सारे डिवाइस में खोल लिया है और मैं अपना अकाउंट लॉग इन ही नहीं कर पा रही हूँ. मैं आगे सेटिंग से आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ. और यू लिटरली कांट डू एनीथिंग, यू कांट टॉक टू देम. आपका अकाउंट वापस लेने का लिटरली आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. मेरे लिए यार यही दो चीज़ें हैं. मतलब मैं फुल टाइम क्रिएटर हूँ, मेरे पास अर्निंग की यही दो चीज़ें हैं. फेसबुक से अर्न कर सकती हूँ और यूट्यूब से अर्न कर सकती हूँ. यूट्यूब से मैं अर्न नहीं कर रही हूँ ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे 4,000 वॉचर जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं. तो मेरा जो थोड़ा बहुत वो था कि यार चलो फेसबुक पे भी लोगों को अच्छा खासा जो है अर्निंग मिल रहा है, तो मैंने सोचा था कि वहाँ पे मैं अर्न कर लूँगी. बट ये भी अब मेरे अकाउंट का ये दिक्कत आ गया है. एक वीडियो बनाई थी डार्क रियलिटी ऑफ इंस्टाग्राम, अगर आपने वो देखा है, मतलब लिटरली मेरा इतना टाइम वेस्ट वहाँ हुआ और फिर यहाँ हुआ. फिर भी नहीं, पहले से ही मैंने जो है कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया था फेसबुक पे. और मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है. और अब वही है कि इतने सारे क्रिंज कंटेंट जो है उस पर लोग अर्न कर रहे हैं, उस पर लोग, और इस पर मुझे लगता है कि बाहर दूसरे लोगों को कहने की, मतलब जो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर है उनको कहने की कोई वो नहीं है. लोग ही ये पसंद कर रहे हैं इसलिए ही देखा जा रहा है. बट एनी वे मैं यही कहना चाहती हूँ कि
अगर आपके पास लिटरली कोई हेल्प है और अगर आप बता सकते हो कि कैसे और मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, या कोई भी आपके पास थोड़ी बहुत हेल्प है तो प्लीज़ हेल्प। और आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपके साथ भी ऐसा हुआ है या वॉट एवर, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे मैं जो है कुछ और रिजॉल्व कर पाऊँ। लोग होते हैं उनको ये बात समझ नहीं आएगी जो ये काम नहीं करते, उनके लिए वो नॉर्मल आईडी है, बट हमारे लिए वो उसमें हम काम कर रहे हैं और एकदम से आपका काम जो है वो मतलब ख़त्म ही हो जाए, थोड़ा सैड कर देता है एक्चुअली। बट एनी वे, सो थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक वीडियो के आए और आपने ये बातें सुनी, और आपके पास कोई भी हेल्प हो तो प्लीज़ हेल्प मी आउट सो मच। बाय।